हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल अभिटेक ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2023 में YouTube की तरफ से आपको YouTube की तरफ से कौन कौन से अवार्ड दिए जाएंगे। यानी दोस्तों, आप लोग में से जितने लोग नए चैनल ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप में से हर किसी के मन में होता है दोस्तों कि हमको YouTube के तरफ से कौन कौन से अवार्ड मिलेंगे। तो बेसिकली इसी बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों देखा जाए तो 50 सब्सक्राइबर, यानी आपके इस चैनल पर जब 50 सब्सक्राइबर हो जाते तब से लेके 100 मिलियन यानी 100 मिलियन सब्सक्राइबर तक ये प्रोसेस चलते रहता है। और यूट्यूब की तरफ से आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिए ही जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार का यूट्यूब रिलेटेड जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मिलता है दोस्तों YouTube की तरफ से, वो है जो 50 सब्सक्राइबर। जब आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उस वक्त आप देखेंगे कि आपके चैनल पर लाइव आने का ऑप्शन मिल जाता है, अगर यानी कि आप लाइव कर सकते हैं। लाइव जो करेंगे दोस्तों, इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। होता क्या है दोस्तों, नए चैनल पर आपके पास जो वॉच टाइम होता है वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसी के लिए क्या करते हैं, वॉच टाइम गेन करने का अच्छा एक माध्यम है लाइव, जो कि 50 सब्सक्राइबर में लाइव आ जाता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर लाइव कैसे आएंगे, तो यूट्यूब में लाइव कैसे आना है दोस्तों, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि लाइव कैसे किया जाता है, जो कि आपको 50 सब्सक्राइबर में ही मिलते हैं। और इससे आप लाइव करके अपने जो ऑडियंस जुड़े हैं 50 ऑडियंस, उसके साथ आप कोई से भी चीज़ को साझा कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों अपने वॉच टाइम 4000 घंटे का वो भी आप गेन कर सकते हैं। और दूसरा जो मिलता है दोस्तों, वो है हम लोग को 100 सब्सक्राइबर में, जो पहले मिलता था अब नहीं मिलता दोस्तों। तो पहले अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइब हो जाते थे, उस वक्त जो मिलता था उसके ज़्यादा अब कस्टम चैनल URL मिलता था, वो 100 सब्सक्राइब मिलता था। पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कुछ इस टाइप का रहता था, अब आपका जो चैनल का नाम है दोस्तों, हैशटैग के बाद आपका चैनल का नाम लिख सकते थे, ये था कस्टम चैनल URL जो पहले होता था। और अभी आप देखा जाए दोस्तों, तो कस्टम चैनल URL है इसको हटा दिया गया है, और इसके जगह पे नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है दोस्तों YouTube की तरफ से, वो है हैंडल, @हैंडल आपका चैनल का नाम, वो होता है हैंडल। अगर वो होता है, इससे क्या होता है, हैंडल जो मिला है वो उसको, इसका बेनिफिट ये है कि दोस्तों आप अपने चैनल को अगर किसी भी हैंडल को आपके चैनल को पता, आप आसानी से सर्च करोगे @ उस चैनल का नाम को, तो उस चैनल आपको तुरंत मिल जाएगा। ये एक बेसिक हर चैनल का नाम को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, जो कि आपको मिलता है 100 सब्सक्राइबर में, ठीक है। और तीसरा जो आपको मिलता है दोस्तों, वो है आपको 500 सब्सक्राइबर में। 500 सब्सक्राइबर में पहले जो मिलता था दोस्तों, वो था कम्युनिटी टैब। उससे पहले देखा जाए तो अगर दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर में कम्युनिटी टैब मिलता था, बट अभी जो है दोस्तों, वो 500 भी नहीं, 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, यानी कि दोस्तों कम्युनिटी टेस्ट का जो ऑप्शन है वो आपको रैंडम मिल रहा है इस टाइम। आप देखे होंगे दोस्तों, कुछ चैनल 50 सब्सक्राइबर उसको भी कम्युनिटी मिल गया है, किसी के 100 है उनको भी मिल गया है कम्युनिटी टैब। तो ये है बेसिकली दोस्तों, यूट्यूब के द्वारा एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजारा जा रहा है, जिस वजह से क्या हो जा रहा है, कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है वो किसी को पहले मिल जा रहा है, किसी को बाद में मिल जा रहा है। और कम्युनिटी टैब का जो आपका बेनिफिट है दोस्तों, वो है जो आप अपने ऑडियंस, जो भी आपके ऑडियंस होते हैं उसके साथ अच्छा जुड़ाव रख सकते हैं, ठीक है। यानी जितने भी आपके सब्सक्राइबर गेन होंगे, अगर मान लो लेट सपोज अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो गए, 500 सब्सक्राइबर हो गए, कम्युनिटी टैब का जो ऑप्शन मिलता है उसको आप कोई सा भी चीज़, उसमें आप कोई सा भी चीज़ पोस्ट कर सकते हैं, अपने फोटो पोस्ट कर सकते हैं, आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट में जैसे ही दोस्तों कुछ भी आप पोस्ट करोगे, जो भी आपके ऑडियंस है 500 सब्सक्राइबर जो है, उसके पास क्या होता है दोस्तों, तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। और नोटिफिकेशन जब पहुँच जाता है तो ऑब्वियसली उसको देखेगा वो लोग, तो ये ज़्यादा चांसेस रहता है कि तुरंत आपको चैनल पर इंस्टेंट व्यू पे पोस्ट में लाइक करें, वो कमेंट कर रहे हैं, ये एक चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों, ये मिलता है 500 सब्सक्राइबर पे। और जो चौथा जो है दोस्तों, वो है 1000 सब्सक्राइबर में। 1000 सब्सक्राइबर में आपको दो चीज़ मिल जाएगी, एक है ज्वाइन बटन मिल जाएगा, और दूसरा जो है दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर के साथ आप 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर लिए हैं, तो वहाँ पर आप चैनल को अपने मोनोटाइज को इनेबल कर सकते थे दोस्तों। मोनोटाइजेशन का बेनिफिट ये होगा दोस्तों, जैसे कि आपका चैनल मोनोटाइज हो जाएगा तो आप यूट्यूब से इनकम कर सकते हैं और रेवेन्यू कमा सकते हैं, और हर महीने आपको पैसे मिलेंगे फिर। और ये तो हो गया, आप पाँचवा बताता हूँ मैं, पाँचवा 10000 सब्सक्राइबर। और जैसे ही 10000 सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे आप देखोगे जब आप वीडियो अपलोड करते हो प्लस वाले वीडियो पे, जो कि आपको दिख रहा होगा, वो आपको क्रिएट स्टोरी स्टोरी आप अपलोड कर सकते हो, उसको वो आपको मिल जाता है 10000 सब्सक्राइबर में। वहाँ पर आप कोई भी फोटो भी
पोस्ट कर सकते हो, वीडियो पोस्ट कर सकते हो, और इससे भी आप अपना सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, और साथ ही जो व्यू जाएगा वो भी आप देख सकते हो कितने लोगों ने देखा। यानी एक तरह से कहा जाता है कि स्टोरी को पोस्ट करके आप अपने जो भी ऑडियंस है उसके साथ लगातार जुड़ाव बनाए रख सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। और जो छठा ऑप्शन है दोस्तों वो है कि 1 लाख सब्सक्राइबर, 100K सब्सक्राइबर, 100K सब्सक्राइबर जब आपके चैनल पर हो जाएगा दोस्तों तो आपको जब मिलता है वो है यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन का बटन, जो कि हर यूट्यूबर के लिए एक बड़ा ये होता है दोस्तों, सिल्वर प्ले बटन। इस बटन के लिए दोस्तों जब आपके चैनल पर 100K सब्सक्राइब हो जाएंगे तो यूट्यूब को आपको एक मेल करना पड़ता है, तो फिर आपको यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करता है। यानी आपके चैनल पे किसी भी प्रकार का स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है, वैसे स्थिति में आपको यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है जिसमें वेबसाइट का नाम और साथ ही एक कोड दिया जाता है जहाँ पे आप जाकर आपको अप्लाई करना होता है, जिससे आपको सिल्वर प्ले बटन बेसिकली आप उसमें अपना नाम हो चाहे अपने चैनल का नाम हो और साथ ही अपना एड्रेस जिस एड्रेस पे आपको मंगाना है वो प्ले बटन पे डाल देंगे। एक तो 1 महीना के अंदर दोस्तों आपका सिल्वर प्ले बटन जो एड्रेस डाल है उस एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। और जो 7वां होता है दोस्तों, जो अब आपका चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन हो जाता है दोस्तों, तब जो मिलता है वो है डायमंड प्ले बटन। और डायमंड प्ले बटन जो होता है दोस्तों वो भी सेम प्रोसेस है, वो भी सिल्वर प्ले बटन मिलने का जो प्रोसेस है उस वही सेम प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यूट्यूब को मेल करना पड़ता है, यूट्यूब आपका चैनल को वेरीफाई करेगा, किसी भी आप कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किए हैं तो आपको मेल में भी आपको सेम में भी आपको एड्रेस दिया जाएगा, एक कोड दिया जाएगा जहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। वो गोल्डन प्ले बटन आपका जो होता है वो आपको 1 महीने के अंदर आपको जो एड्रेस दे उस एड्रेस पर मिल जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है दोस्तों। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करना अपने आप एक नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है दोस्तों। और 8वां जो है दोस्तों, जब आपके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर, जब आपके चैनल पे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों उस वक्त जो मिलता है वो है डायमंड प्ले बटन दोस्तों, जो कि एक तरह से नया एक्साइटमेंट होता है। यानी कि आपके चैनल पर जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उस समय आपको डायमंड बटन मिलेगा दोस्तों। उसी तरह प्रोसेस होता है, आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। और जो 8वां होता है जो दोस्तों वो होता है 50 मिलियन सब्सक्राइबर, वो होता है डायमंड, ठीक है। और ये होता है दोस्तों सेम प्रोसेस से मिलता है, सेम ये भी आपको मिलेगा जब आपको चैनल पर 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो 10वां अवार्ड होता है दोस्तों वो जब आपके चैनल पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और हालांकि 100 मिलियन के सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, बट इस समय जो आपको मिलेगा वो है ब्लैक डायमंड बटन, ठीक है दोस्तों, ब्लैक डायमंड बटन जो कि बहुत ही अनोखा होता है और ये बहुत ही कम लोगों को मिला है दोस्तों, ब्लैक डायमंड बटन की बात करें तो ये रहा यूट्यूब के द्वारा 2023 में जो अवार्ड दिए जाएंगे वो उनके बारे में बताएंगे। और ये सारे अवार्ड जो है दोस्तों हर अगर देखा जाए तो पिछला कुछ चेंजेस किया है, कुछ ना कुछ हर साल चेंजेस किया जाता है नॉर्मली। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।